मजदूर दस्तकार यूनियन द्वारा विश्वकर्मा मंदिर में एकत्रित होकर राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर यूनियन के जिला प्रधान दर्शन कुमार मिस्त्री ने अपनी पुरानी मांगों को दोहराते हुए सरकार से जल्द उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब से सरकार का गठन हुआ है, मजदूरों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। बुजुर्गों के खातों में आने वाली पेंशन भी कई महीनों से नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने की बजाय दबाने की नीति अपनाई जा रही है, जिसे मजदूर दस्ताकार यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा नाम दर्शन कुमार मिस्त्री है। मैं मजदूर दस्तकार यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हाँ। अज्ज का जो प्रदर्शन है, वह मेन मकसद साढ़ा कि जोड़े साढ़े मजदूर जी शुरू होते इन्हें नवे जोड़े फार्म गए, मेरे ख्याल 3 महीने हो गए बंद किए। तो इस महीने ने आख्या कि अप्रैल को असं शुरू करके, अप्रैल आ रहे 5 तरीक तक थोड़े अस बंदे इन्हें रजिस्टर करके। तो बड़ा अफसोस करना खड़वा कि उन्हें इन्हें हूँ भी गौरमेंट ने जो बंदे साढ़े रजिस्टर नहीं किए हैं, और लोगों 100, 200, 400 बंदा जिन्हें अपन फाइलों तैयार करी रोजाना दफ्तर बचे चक्कर ला दे। तो मैं सरकार अगर मांग करता कि इन्हें लोगों की जो मजदूर लोग जो सारे जल्द कोला जल्द रजिस्टर किया जा। बाकी इनका जो वजीफा मसला जोड़ा असें 31 मार्च को पहले भी सरकार गई 31 मार्च को पहले असें सारे तमाम मजदूरों के बच्चों का वजीफा इंदा ब्याले पैसा इंदे। लेकिन बड़ा अफसोस करना खड़वा जब से ये सरकार बनी है तो हमारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी तक हमारे बच्चों को वजीफा नहीं मिला।